समाजवादी पार्टी मुख्यालय में बुधवार को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सपा मुखिया अखिलेश यादव शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व वीरता, पराक्रम, त्याग का तथा देशभक्ति का प्रतीक है। महाराणा प्रताप जयंती पर पूर्व सीएम अखिलेश ने क्षत्रिय समाज को संबोधित करते हुए कहा, आप हमारी पगड़ी बचाएं, हम आपकी पगड़ी बचाएंगे। अखिलेश ने कहा, महाराणा प्रताप की जयंती समाजवादी पार्टी में मनाई जा रही है, लेकिन इसकी हलचल कहीं और हो रही है। उन्होंने भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे हमें हिंदू नहीं मानते। हम तो इतिहास को जोड़ने के नजरिए से देखते हैं, वो तोड़ने के नजरिए से देखते हैं। अभी हाल ही में क्या हो गया, क्योंकि चुनाव आ गया और ये कमाल का समय है। चुनाव आता है तो कोई ना कोई चीज निकल के आ जाती है। पिछली बार जब गुजरात का चुनाव था और देश में दूसरे हिस्से में चुनाव था, तो सोचो खिलजी वाली बात ये कितनी निकल के आ गई थी। आंदोलन हो गया सड़कों पर, और अभी जैसे ही चुनाव करीब आया उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक का चुनाव आया, टीपू सुल्तान भी आ गए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई दूसरा सवाल भी खड़ा कर दिया। लेकिन शायद आज के बाद वो भी हमें हिंदू मानने लगे। अखिलेश ने ऐलान किया कि जब सपा सरकार आएगी तो फिर से महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश घोषित किया जाएगा। लखनऊ से नवीन वर्मा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।